ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1993। आज की मधुर मुरली में बाबा हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां समझा रहे हैं। बाबा जब बच्चों को देख रहे थे तो बाबा ने डीपली रियलाइज कराया कि आप ब्राह्मण आत्माएं हाईएस्ट से हाईएस्ट हो। आप अपने असली स्वरूप को याद करें। जब आप परम धाम में थे तब आप बाबा के अति समीप थे। अपना अनादि काल, आदि काल सबको सामने लाओ। जब आप परम धाम में थे तो बाबा के अति समीप थे। जब आप देव आत्मा रूप में थे तो वहाँ पर भी आपको तन मन धन जन का सुख प्राप्त था। जब आप आत्माएं मध्य काल में आई तो आपकी पूजा विधिवत होती रही। जब आप संगमयुगी ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आप आत्माएं यहाँ भी ऊंच से ऊंच हो, आपके अंदर संपूर्ण पवित्रता आती है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प मात्र भी इम्प्योरिटी टच ना करे। ऐसे आप हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हो। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी होलीएस्ट आत्माएं अपने आप को होली अनुभव करते हो, आपको स्वयं को ये चीज़ें याद आती हैं कि हम ही हैं वो जो देव आत्मा थे, धीरे धीरे नीचे आ गए। बाबा ने कहा कई बच्चे अपने आप को अलोन फील करते हैं, अकेला अनुभव करते हैं। संगम युग पर आप कभी अकेले नहीं हो सकते क्योंकि बाबा स्वयं आपका साथी है। कई बच्चे कहते हैं हमने बाबा को कंपेनियन बनाया। कंपेनियन के साथ साथ कंबाइंड रूप में रहो तो ये ब्राह्मण जीवन आपको बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आप बच्चे सदा प्राप्तियों के गीत गाते रहो, बाबा के गीत गाते रहो, प्राप्तियों के गीत गाते रहो। इन प्राप्तियों को याद कर सदा अनुभव करो कि हम ही थे, हमें फिर से बनना है। कभी भी अपने को अकेला अनुभव नहीं करना। ब्राह्मण आत्माएं कभी अकेली हो ही नहीं सकती क्योंकि बाबा कंबाइंड है। और कोई कमज़ोर विचार कभी नहीं लाना। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं हम ही थे या कोई और था, कल्प कल्प हम ही बने हैं। ये विजय का तिलक अपने मस्तक में चमकता हुआ अनुभव करें। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सब बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, आप ऊंचे भी हो और पवित्र भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। आप परमात्मा द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाबा के समीप रहने वाले हो। जब आप परम धाम में हो तो बाबा के अति समीप हो। पहुँचेंगे बुद्धि से परम धाम, देखेंगे वहाँ चमकती मणियों को, बाबा को, और अपने को बाबा के अति समीप। देखो अनादिकाल में अपना स्थान याद है ना, तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदिकाल में सृष्टि चक्र के सतयुग
आदि काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, देवात्माओं का समय आदि काल भी श्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद देवता जीवन ही प्यारी जीवन है, ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ हैं। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों प्रकार की प्राप्तियाँ हैं। अपनी दैवी जीवन याद है ना, या भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया, अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो, सबसे विधिपूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बने हुए हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देवात्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। जैसे देवात्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, अन्य किसी की नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। संगम युग पर ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं स्वमान है, स्वमान का नशा है, स्वयं अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी हो, चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, चाहे और आत्माएं भी होली पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता, फिर देवता जीवन की पवित्रता सबसे श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। इसी को कहा जाता सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है? नहीं, ये तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो नहीं सोचते हो थोड़ा तो चलता ही है चला लो, किसको क्या पता चलता है, कोई मनसा तो देखता ही नहीं, कर्म में तो आते ही नहीं। लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते, मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं भी चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है,
आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना, कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने के लिए होली बन गए। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो, हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना होली बन जाते हो। जितना बाबा के संग का रंग लगता है उतना आप होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो रंग आपे ही लग जाएगा, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है? कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन फील करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? कई कहते मैं अकेलापन लगता है। बाबा पूछते हैं अकेलापन क्यों लगता है? आदत है क्या अकेले रहने का आभास होना? ये आदत है, इसलिए ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं, होना भी नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? बाप दादा ने स्वयं साथी बनाया, अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया, साथी तो बनाया, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता, कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वर्ल भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। साथी तो बनाया है लेकिन ऐसे अनुभव करो जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, अलग हो ही नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। जितना ब्राह्मण जीवन आपको मनोरंजक और प्यारी लगेगी जितना कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे होली हो गई। सदैव याद रखो संग के रंग की होली से होलीएस्ट हाईएस्ट बनना सहज है, मुश्किल नहीं, सहज है। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाबा का संग है तो कभी आपको मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस से पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं तब मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं लेकिन कईयों को अनुभव होता है, तो जरूर कोई पास्ट के संस्कार इमर्ज होते हैं। जब मर जीवा बन गए तो पुराने जीवन की भी मृत्यु हो गई, पुराने संस्कारों की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं,
ब्राह्मण जन्म के नहीं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, सोचो अगर कोई दूसरे की चीज़ आपको आकर देवे तो आप क्या करेंगे? दूसरे की चीज़ कोई आकर आपको दे, आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि हमारी चीज़ नहीं है, ये दूसरे की चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती है तो आपकी चीज़ तो आई नहीं, सोचो ये मेरी चीज़ नहीं है, ये पराई है। पराई चीज़ को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। मान सकते हैं क्या? सोचो पराई चीज़ है तो जरूर धोखा देगी और दुख देगी। पराई चीज़ है तो धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज़ को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज़ को अपनी बुद्धि में रखा नहीं रहने दो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। इस ब्राह्मण जीवन में जब हम बाबा के बने, बाबा ने क्या क्या दिया? ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, कौन सा अच्छा है? एक तरफ पुराने स्वभाव संस्कार, वो रावण का माल है, निजी संस्कार बाप का माल, तो क्या अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी, संकल्प में भी नहीं लाओ, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है नहीं मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं, रावण की चीज़ को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं, किसने अपना तो बना लिया, तो अच्छी तरह से खातरी करो। वो संस्कार भी सोचते हैं, अब इनकी अच्छी तरह से खातरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। आप निजी स्वभाव संस्कार को इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, या एक दिन कहेंगे होली है और दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदाई संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। संगम का समय उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते हो, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब नाचते हो, सदा नाचते रहते हो ना, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो, सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं, ये कमजोर संकल्प कभी नहीं आने देना। सदा सोचो अनेक बार मैं ही बनी हूँ, मुझे ही बनना है। अनेक बार मैं ही बनी हूँ, मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं, सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया। दादियों को ठीक देखकर सब खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल,
आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है, तरीका आ जाता है ना चलाने का, और चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है, ये दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं सेवा करें, तो वह उमंग जो आता है ये उमंग सूली से कांटा कर देता है। जब सेवाओं का उमंग आता है तो शरीर के हिसाब किताब को सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है फिर भी हिम्मत अच्छी है, सभा से निमित्त आत्माओं को देखकर खुश होते हैं ना। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें हाँ कमाल है, दूसरे के मुख से निकले कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की, कमाल उसको कहा जाता जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वो बात साकार में करके दिखाए, इसको कहते हैं कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है, लेकिन स्वयं के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए, जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है जानते ही हो ना, जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना वो ऐसा सहज हो जाए, जो स्वयं भी आप अनुभव करें कि ये कमाल है, ठीक है ना। क्या करेंगे, बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है तो जानते हो ना, बाबा को क्या पसंद है जानते हो। अच्छा देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं बाबा, देखेंगे बच्चे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है वृद्धि अच्छी कर रहे हो, ये नहीं सोचो कि हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म बतन की चल रही है। वरदान है संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय हर सेकंड हर संकल्प को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह हैं जिनका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप कौन, जिनका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ हैं तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता। समर्थ हैं तो व्यर्थ हो नहीं सकता। श्लोक ने सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना ये प्यार का सच्चा सबूत है। आज अनुभव करेंगे बाबा सर्वशक्तिवान सदा कंबाइंड है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, इसे बाबा और मैं कंबाइंड हैं। ऐसी अनुभूति हो ये ब्राह्मण जीवन अति न्यारी प्यारी अति श्रेष्ठ है, बहुत मनोरंजक है। बाबा और मैं कंबाइंड हैं, अर्थात संसार के खेल को हम साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई भी कार्य मेरे लिए मुश्किल नहीं, असंभव नहीं। जहां बाबा साथ है
वहाँ हर मुश्किल सहज हो जाती है, असंभव संभव हो जाता है। मन बुद्धि की आंखों से बाबा को देखेंगे, उनकी शक्तियों को अपने में समाएंगे। बाबा और मैं कंबाइंड है, बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में मैं सदा शक्तिशाली हूं। मैं हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।